गाजियाबाद के अकबरपुर बहरामपुर में नगर निगम का बुलडोजर चला और बुलडोजर यूं चला कि सैकड़ों लोगों को घर से बेघर कर दिया। आरोप है कि नगर निगम की ओर से उन्हें कोई नोटिस या किसी तरह की मुनादी नहीं दी गई। कुछ और कुछ भी नहीं है, मैं जाऊंगी अपनी सर्दी में बच्चों को लेके, जो कमाया मैंने सारा इसमें लगा दिया। मेरा ऐसा करो, मुझे ये दे दो मेरी मड़ैया, मैं कहीं अपने बच्चों को लेके पड़ी रहूं इसमें। ये दर्द है बेघर होने का। किसी प्रकार से हमारे पास कोई भी सूचना नहीं थी, 30 साल से कुछ नहीं। ये दर्द है आशियाना उजड़ने का। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो गाजियाबाद के अकबरपुर बहरामपुर की हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के घरों पर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया। लोग कड़ाके की इस ठंड में जमीन पर और खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। जब निगम का बुलडोजर इनके आशियाने पर चला तो इनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मेरे तो भैया कुछ भी ना, खाना कमाना कुछ भी बस की ना, मेरे तो गांव में घर ना, जंगल में झोपड़ी ना, मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, क्या होगा मेरा। तो ये मकान जो ये भी खाली करने के लिए बोल के चले गए। यहाँ रहने वाले लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाया तो उन्होंने मानने से साफ तौर पर मना कर दिया और आंखों के सामने ही आशियानों पर बुलडोजर चलवा दिया। इसी जगह में बने जीनियस पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले 1000 बच्चों का भविष्य भी अब अंधकार में है, क्योंकि इस स्कूल के मालिक को भी ये बोल दिया गया है स्कूल को भी तोड़ा जाएगा। हमारे सबको, सारी कॉलोनी को कह के गए हैं खाली कर दो, मैं विधवा औरत हूं, मैं कहां जाऊं। घर टूटने के सदमे से एक महिला की मौत भी हो गई। अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई से बनाए हुए आशियाने को उजड़ता देखकर उसे हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। किसी प्रकार से हमारे पास कोई भी सूचना नहीं थी, 30 साल से कुछ नहीं। कितने दिन हो गए आपके? लगभग हमें यहाँ 30 साल हो गए हैं जी रहते हुए। 30 साल से कुछ नहीं अभी ये काम? हाँ एकदम हुआ है ये अभी एकदम। और इसी सूचना के युक्त हमारे पड़ोस में ही एक लेडीज है, उन्हें जो है हार्ट अटैक सुबह हुआ है। इस तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्या बीजेपी राज में यही अच्छे दिन है? जितेंद्र भाटी, गाजियाबाद, हिंदी खबर। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में शनिवार से शुरू हुए सीटीएल क्रिकेट लीग में पहला मैच दिल्ली और मुंबई के बीच खेला गया। उद्घाटन मैच का उद्घाटन यूपीसीए के सचिव युद्धवीर सिंह ने किया। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आपको बता दें कि टूर्नामेंट में नए खिलाड़ियों को खोजा जाएगा। इस टूर्नामेंट में 24-24 ओवर के मैच खेले जाएंगे। अच्छा इनका आइडिया है, इसमें कॉम्बिनेशन है, एल्डर प्लेयर भी हैं, यंगर भी हैं, कॉम्बिनेशन अच्छा है। एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, जो नए बच्चे हैं उनको अच्छा लगे, अच्छा खेलें।